दूसरा है कि जो श्लोक एक्चुअली इसमें 46 श्लोक हैं, ये जो चैप्टर वन में 46 श्लोक से हम लोग, जो पहला श्लोक है वो तो धृतराष्ट्र का इंक्वायरी है, और 2 से लेकर के 11 तक ये जो श्लोक है वो दुर्योधन का जो भय है मन में, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिप्लोमेसी है उसको, उनका डिप्लोमेसी जो है वो पूरा दिखाई देता है कैसे है उनका डिप्लोमेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। और 3 में थर्ड सेक्शन जो है वो 12 से लेकर के 19 तक, तो उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या विक्ट्री का, विजय पाने का सिंबल है, और वो कैसे पांडवों के तरफ जाता है। और 4th सेक्शन में अर्जुन क्या करते हैं कि, मतलब 20 से लेकर के 27 श्लोक तक, और अर्जुन क्या करते हैं कि जा करके पूरा ऑब्जर्व करते हैं जो युद्ध होने जा रहा है, तो उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या उनको दिखाई पड़ा, कैसा है मतलब, तो वो सब जैसे कि आप अपना कैसे रिलेटिव्स को देखते हैं, और उनका मन में क्या आता है। और 28 से लेकर के 46 तक उसमें अर्जुन का जो विभिन्न विषाद है ये जो उसको दिखाया जाता है, और उसमें अर्जुन मतलब युद्ध नहीं करने के लिए डिफरेंट जो कारण है वो दर्शाते हैं, उस उनका जो रीजन है क्या क्या रीजन है, 5 रीजन जो दिखाते हैं, तो वो डिस्क्राइब किया गया है। तो मेनली हम आज क्या करेंगे, जो पहले 2 पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पहला जो सेक्शन है उसमें कि धृतराष्ट्र का जो इंक्वायरी था संजय से, एक्चुअली जो कौरवों के पिता जो धृतराष्ट्र थे, जो मतलब अपने जो राष्ट्र है, अपना जो किंगडम है उसको पकड़ के रखने के लिए की कोशिश करते हैं, धृतराष्ट्र मतलब पकड़ के रखने के लिए चाहते हैं, राज्य को पकड़ के रखने के लिए चाहते हैं, भले ही वो उनको टेम्परारीली दिया गया था कि देख रेख करने के लिए, लेकिन वो पूरा मतलब कैसे पूरा उसको जिंदगी भर हासिल करने की कोशिश में लगे रहे, और इनका यही महत्वाकांक्षा इसमें पूरा रिफ्लेक्शन आता है। और ये धृतराष्ट्र जो है वो भी अपना जो बेटा है, जो अपना 100 पुत्र हैं उनको ही मतलब मेनली उनका जो फिलोसफी है कि वो अपना बेटों के तरफ ही थे। तो हम चलते हैं पहले श्लोक में। पहले श्लोक में ऐसा है, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्व माम कः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो भगवान का जो ये जो गीतोपनिषद है, तो उसमें पहला श्लोक में धृतराष्ट्र को क्या करते हैं कि संजय से पूछते हैं कि मेरा पुत्रगण और पांडव पुत्रगण, वो युद्ध करने की इच्छा है तो जो कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है वहाँ मतलब इकट्ठे हुए हैं, और वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है उनका संदेह था, क्योंकि उनका ये जो नहीं तो अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो संजय से ऐसे नहीं पूछते, उनका मन में जिज्ञासा था कि कैसे हम मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, इसका मतलब है उसका मन में कुछ दुविधा था, संदेह था, ऐसा है। क्योंकि उनका पुत्र और जो पांडु पुत्र हैं ये दोनों यद्यपि एक ही राज परिवार के हैं, तो ये माम का पांडवश्चैव, मतलब माम का मतलब है कि मेरा, मेरे जो जो मेरे हैं, इसका मतलब कि पांडव जो है वो मेरे नहीं है, तो ये उनका जो डिफरेंशिएशन था।
और उनका पुत्र और उनका जो पांडु पुत्र है ये युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चित हो गया था, क्योंकि दुर्योधन ने मना कर दिए थे कि ये जो युद्ध के बिना मैं एक सुई के भांति जो भूमि है वो देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो युद्ध को दुर्योधन ने खुद इनवाइट किया था। और धृतराष्ट्र क्या करें, वो तो अपने पुत्र के जो आचरण थे उसी के साथ में थे, तो उनको भी लग रहा है कि ये निश्चित है। फिर भी ये जो युद्ध होने जा रहा है इसमें जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्मक्षेत्र है, तो उसको लेकर के उनका मन में शंका था, क्योंकि ये जो धर्मक्षेत्र है इनको वेदों में भी वर्णन किया गया है कि देवताओं का भी ये पूज्य स्थल है, तो उनको लेकर के उनका मन में था, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि ये जब टेम्पररीली दिए गए थे राज्य का जो भार, जो इंचार्ज दिए गए थे, तभी तभी से वो चाहते थे कि मैं कैसे इसको हमेशा पकड़ के रखूं। उनको पता है कि ये सही नहीं है, तो लेकिन उनका जो महत्वाकांक्षा थे उसके मतलब नीचे वो जो धर्म था जो उनको पता था उसको रोंद के वो मतलब खुद इसको हासिल करना चाहते थे। तो इसीलिए उनको पता था कि ये जो युद्ध होने जा रहा है ये तो एक तीर्थ स्थान है, जो कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थान है, तो वहां होने जा रहा है। तो इसीलिए उनको उसी चीज को लेकर के उनका संदेह था, दो संदेह था कि ये तो धर्म क्षेत्र है, तो ये धर्म क्षेत्र में क्योंकि पांडव के जो बेटे हैं, जो पांडु पुत्र हैं, तो वो हमेशा धर्म के तरफ ही रहे हैं, तो कहीं ये उनका फेवर में तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्थान ही ऐसा है कि वो धर्म क्षेत्र है, तो उनको फेवर में भी जा सकता है। और एक आशा भी उनका मन में था कि इसको उसको जो धर्म क्षेत्र है उसी के प्रभाव से उनका मन कहीं ये जो रक्तपात होने जा रहा है, युद्ध का मतलब तो रक्तपात ही है, तो वो होने जा रहा है कहीं वो बदल ना जाए, तो उनको मतलब आशा और आकांक्षा ये सारे दुविधा को लेकर के उनमें उनके मन में बहुत संदेह मतलब चल रहा था, उनका मन में ही एक युद्ध जैसा चल रहा था। तो ये बहुत बहुत ही मतलब जिज्ञासु बन गए थे उस टाइम में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अब क्या हो रहा है, तो उसका मन में यही मतलब चलता था। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका मन में ये सारे चीजें चलता रहता है। और इसको यहाँ दर्शाया गया है कि और वो कितना इरेस्टिबल है। तो भले ही उनको जो 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 दिव्य दृष्टि संजय को मिला हुआ था व्यास देव जी की कृपा से, तो उनका सारथी थे, धृतराष्ट्र के सारथी थे, तो उनको उनका सहायता से, क्योंकि उनको ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था कि वो दूर में क्या चल रहा है उसको लेकर के देख सकते हैं, तो उसी को यूटिलाइज करके ये इसको जानना चाहते हैं। उनका मन में जो चल रहा है, ये घटना क्या चल रहा है उसको जानने के लिए ये बहुत ही बहुत एक्साइटेड है, इच्छुक है। तो इसमें क्या है कि धृतराष्ट्र मन में क्या चीज चल रहा है ये सारे एक्सपोज हो गया है। ये जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जो मामका पांडवश्चैव, जो मामका मतलब मेरा और पांडु पुत्र, ये दोनों भले ही एक वंशधर हैं, एक ही मतलब भाई हैं, और फिर भी उनको वो मन में ऑलरेडी उनको नहीं, तो ये उनका मन में जो चल रहा था वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। इससे और एक चीज है कि उनको धृतराष्ट्र ऐसा कैरेक्टर है, उनका जो भीखा पुत्र है, भातृपुष्प पुत्र जो है, भातृपुष्प पुत्र, तो कि जो धृतराष्ट्र का इंक्वायरी था
वो जो अपना उनके पार्शियल थे और ऑलरेडी जान चुके हैं, तो संजय यहाँ अभी उत्तर देने शुरू किए हैं कि दृष्टा तु पांडवानि दुर्योधना आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये जो बता रहे हैं कि जो चक्रव्यूह है उसमें जो सुसज्जित मतलब सारे तो तैयारी के साथ आए हैं, तो जो सुसज्जित हुए हैं जो पांडव पुत्र ने उनको देख के दुर्योधन का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो 2 से 11 जो है वो दुर्योधन का जो डिप्लोमेसी है और उनका मन में जो भय है, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त नहीं थे तो वो अधर्मी थे, तो उनका मन में क्या चल रहा है, ये उनका उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिप्लोमेसी और जो भय है वो इसमें अच्छा लगता है, इसमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो देख लिए उन्होंने कि चक्रव्यूह में जो सुसज्जित चक्रव्यूह रचा लिया है पांडवों ने, और उनको देख के फिर वो अपने गुरु के पास चले गए, मतलब जो द्रोणाचार्य थे तो वो उनके पास चले गए, जाकर के वो सब इनको क्या क्या बताने लगे अभी इस श्लोक में मतलब पता चलता है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि धृतराष्ट्र जो है वो तो दुर्भाग्यवशत मतलब वो दिव्यदर्श से वंचित हो चुके थे, तो एनीवे वो जानते थे कि उनका जो पुत्र है वो धर्मनीति के जो नीति है उनसे दूर है और वो विपरीत रास्ता में है, और ये निश्चित है वो निश्चित है कि वो पांडव जो है वो धार्मिक मतलब पटेगा नहीं, वो दोनों हमेशा ही दूसरे एक दूसरे के साथ कभी भी एक रास्ते में नहीं जा सकते। तो जय एक्चुअली ये चीज भी वो जानते थे, वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो उनका साथी थे वो जानते थे। तो संजय अभी यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा मतलब उनको ये देने के लिए मतलब आश्वासन देने के लिए इस टाइप का मतलब, क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र ने जो क्वेश्चन किया उससे उनका मन पूरा एक्सपोज हो गया और संजय उसको भलीभांति समझते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको जो आश्वासन का जो कथा है थोड़ा सा बताते हैं कि नहीं ये अभी अभी उनके पुत्र जो हैं वो एक्चुअली ये जो धर्म क्षेत्र में जो युद्धजार हो रहा है तो उसी के प्रभाव के कारण से वो कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं हो करके उसमें कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हो करके वो अभी कुछ मतलब भय से कुछ ऐसा ही कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, किंतु क्योंकि वो धृतराष्ट्र चाहते हैं कि युद्ध हो और युद्ध में उनके बेटे जो है वो भी हुए होंगे, वो यही चाहते थे, तो उन्हें ये बोलते हैं कि नहीं मतलब अभी वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि दुर्योधन अभी ये तीर्थस्थान के प्रभाव से कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो वो क्या बताए वो उनको बताए कि नहीं युद्ध जो होगा उसके हेतु जो दुर्योधन को जो करना है वो कर रहे हैं, और अपना सेनापति जो है द्रोणाचार्य है उनको पास में जाकर के वो जाकर के वो उनको क्या क्या हो रहा है कौन कौन है कैसा है वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये दुर्योधन थे वो कूटनीति में भी बहुत प्रवीण थे और वो उनको उनको एक्चुअली राजा बताया गया है कि हाँ क्योंकि अभी अभी राजा तो वही है क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो तो अंधे थे, तो वर्किंग जो राजा मेनली वही है, तो वो उनका मन में कुछ भय क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी दुर्योधन के मन में, तो इसीलिए उनका जो पांडवों का जो व्यूहरचना है उनको देख के वो अपना दिल की बात जो है वो जाकर के द्रोणाचार्य से बताते हैं कि
वो क्या चाहते हैं, मैं मतलब दुर्योधन बताना चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए और मैं क्या चाहता हूँ, इस उसमें उनका कूटनीति पूरा छलकता है। तो श्लोक 3 में फिर वो बताते हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं च मुं भूर्यं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। ये देखिए गुरु गुरु जी मतलब द्रोणाचार्य को बता, आप देखिए कि आपका महान शिष्य है द्रुपद पुत्र कौन, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का द्वारा ये व्यूह रचना किया गया था। तो धृष्टद्युम्न का जो सृष्टि है वो क्यों है, वो कैसे द्रोणाचार्य का जो गलती है वो चीज यहाँ कूटनीति प्रयोग करके दुर्योधन खुद का जो सेनापति है उनको बताते हैं। तो इससे दुर्योधन का मूर्खता भी छलकता है। हाँ, तो क्योंकि वो बोलते हैं कि जो द्रोणाचार्य को ऐसे बताना चाहते हैं कि आपका भूल गलती यही है, क्योंकि आप अगर द्रुपद के साथ शत्रुता नहीं करते, उसके साथ में झगड़ा नहीं करते, तो ये जो ये किया गया जो यज्ञ किया गया और उसमें से जो धृष्टद्युम्न ही उनको मार पाएंगे बोल के जो जो सृष्टि हुआ था, इसके जिम्मेदार कौन है, आपका जो आपका जो मेनली गलती है उसी के कारण ये हो रहा है। इसका मतलब है, पता चलता है कि धृष्टद्युम्न का जो चक्रव्यूह है वो बहुत सुंदर चक्रव्यूह रचना किए हुए हैं। इसी इसीलिए तो दुर्योधन का मन में ये भय पैदा हो गया है। क्योंकि और एक चीज है बता बता बताना चाहते हैं कि जो आपने इनको जो शिक्षा दिए हैं, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो जो अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के पास भी आए थे जो अस्त्र शिक्षा करने के लिए, तो ये सारे जो गुप्त कौशल है, ये जो चक्रव्यूह रचना है, ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। तो ये उनका जो चक्रव्यूह का रचना देख के दुर्योधन के मन में उनका मतलब उनका जो सेनापति है द्रोणाचार्य है उनका मन में क्या सम्मान है, ये यहाँ पूरा दिखाई पड़ता है कि वो जाकर के उनको धिक्कारते हैं कि आप ही के कारण से ऐसे ही सब ये हो रहा है, सब आप बिना द्विधा में उनको सब सिखा दिए। हाँ, तो मतलब ये जो युद्ध क्षेत्र में जो कूटनीति प्रयोग कर रहे हैं दुर्योधन, वो अपना द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि आपका कैसे भूल हुआ है, अतीत में भूल हुआ है, इसके कारण से ऐसा हुआ है, अब ये सब नहीं होना चाहिए। इसका मन का मन मन में यही चल रहा है कि अब कहीं वैसे ही वो उदारता दिखा के, जैसे कि दृष्ट अपना उनको यद्यपि पता था कि दुष्टधर्म के कारण से ही उनका मृत्यु होगा, फिर भी वो उन्हीं को सारे शस्त्र विद्या और ये जो युद्ध कौशल हैं उनको भली भांति उनको समझा दिए मतलब सिखाए थे। तो अभी ये बताना चाहते हैं कि आगे चल के आपका ये जो उदारता था तो वो कहीं आपके मन में ना आ जाए कि आप युद्ध में कुछ शिथिलता प्रदर्शन करें या फिर कुछ ऐसा करें जिसमें कि हमारा पराजय की ओर हमको ले चले। तो इसको उनको उनको थोड़ा मतलब आगाह करते हैं, उनको थोड़ा मतलब बता देते हैं कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि मैं ही विजय करना चाहता हूं, तो इसके कारण आपका जो उदारता है ये ऐसा अभी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस युद्ध में ऐसा थोड़ा उदारता दिखाएंगे तो इसमें मुझे ही पराजित होना पड़ेगा। ये चीज उनके जो ये श्लोक से पता चलता है। तो चौथा श्लोक है कि अत्र शूरा महाश्वेसा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो यहाँ दुर्योधन के मन में जो मेनली मेन कैरेक्टर दो दो उनका शत्रु जो है वो आते हैं, जैसे कि भीम और अर्जुन, क्योंकि ये जो
एक्चुअली बताने के लिए तो बता रहे हैं कि हमारा जो साइड में जुजुधान, विराट, द्रुपद जो ये हैं, ये अनेक योद्धाएं हैं, लेकिन जो जो ये अनेक योद्धाएं हैं जो युद्ध करने आए हैं, लेकिन ये सारे भीम और अर्जुन के तरह मतलब धनुर्धारी है। मतलब भीम और अर्जुन को फिर भी वो इनडायरेक्टली श्रेष्ठ मान के उनके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, भले ही वो पांडव के साथ साइड में भी आए हैं। मतलब इसके पता चलता है कि पांडव साइड में जो वीर शूरवीर हैं वो कितना शक्तिशाली है, वो इनडायरेक्टली ये द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं। तो और उनको 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 ऐसा लगता है कि जो द्रोणाचार्य थे उनका जो युद्ध कौशल है उसमें दुम्न इतना बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है, उनको उनको ऐसा मतलब लग रहा था, क्योंकि दूसरे जो हैं तो वो उनका आशंका के कारण है, क्योंकि उनको उनके मन में भय है, क्योंकि भीम और अर्जुन को वो भय करते थे। उनको पता था कि अगर मेरा पराजय होगा या फिर मेरा मृत्यु होगा, ये इन्हीं दोनों के कारण से होगा, तो इन्हीं के साथ में बाकी सूर्यवीर को वो मतलब कंपेयर करके बताते हैं, भले ही वो पांडवों के साइड में बाकी सूर्यवीर जो थे, फिर भी उनको उनके साथ में कंपेयर करते। तो ये एक स्टैंडर्ड उनका मन में था कि भीम और अर्जुन जैसा मतलब है तो युद्ध में विजय मतलब उतना आसान नहीं है, तो उनका मन में ये था, तो इसीलिए वो सबको उनके साथ पे तुलना करते थे। और नेक्स्ट श्लोक जो है, पांचवा श्लोक है, धृष्टकेतुश्चकिस्तानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजीत कुन्तुभोजश्च शब्यश्च नरपुंगवः। मतलब इसमें जो बताते हैं कि धृष्टकेतु, चकिस्तान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, सभ्य आदि अनेक महा महा योद्धाएं आए हैं। ये एक्चुअली ये जो जीतने के लिए युद्ध में इतना उत्सुक हैं कि वो द्रोणाचार्य को क्या पता नहीं है कि ये सब आए हैं ना, द्रोणाचार्य नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, फिर भी दुर्जन का जो कूटनीति है, उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, इससे छलकता है कि ये अपना जो प्रधान सेनापति बना चुके हैं द्रोणाचार्य को, फिर भी उनको ये सारे चीजें बता रहे हैं, तो ये क्या भय का सिम्टम नहीं है, हम लोग खुद उसको समझ सकते हैं भी। तो उसके बाद में छठवां श्लोक में वो बताते हैं कि उन फिर भी फिर और आगे पांडव के साइड में और कौन कौन है वो बताते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोश्चार्य वज्जमान सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो वो बताते हैं कि जो युधामन्यु और वीर्यवान उत्तम ओजा और जो सुभद्रा के पुत्र हैं और द्रौपदी के पुत्र हैं, ये सारे महारथी हैं और ये सब रथी हैं। एक्चुअली जो रथ के ऊपर में चढ़ के युद्ध करते हैं वो सब रथी हैं, ये पहले पहले ये सब रथियों के नाम अपने गुरु को गिनवा रहे हैं। तो यही है इनका 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 स्टाइल ऐसा है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, वो ऐसा कर रहे हैं। तो उसके आगे फिर चलते हैं तो सातवां श्लोक में बताते हैं। तो उनका साइड में जो 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 वीर सूरवीर है उनको उन्होंने बता दिया, तो अभी उस सातवां श्लोक से आगे वो अपना साइड में कौन कौन है वो सब बताते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोध द्विजतमः नायक मम सैन्यस्य संगार्थ तन् ब्रवीत्मे ते। मतलब ये बताते हैं कि हे द्विजतम, मतलब जो द्रोणाचार्य थे वो तो ब्राह्मण थे, इनको द्विजतम मतलब द्विजोत्तम बता बोल के वो संबोधन करके बता रहे हैं कि आपको जानना चाहिए कि निबोध मतलब है आपको जानना चाहिए कि मेरा साइड में
जो जो सेनापतियां है, जो विशेषकरी विशेष के जो मतलब जो दक्ष हैं, मतलब सैनिकों को चालन करने के हेतु बहुत दक्ष हैं, और उनके साइड में भी वो बता रहे हैं। तो जो सेनापति इसमें ये क्लियर होता है कि दुर्योधन खुद को आप ये जो हस्तिनापुर का पूरा राजा, मतलब उसका उसका ब्रेन वॉश हो करके जैसे मतलब वो पूरा ऑलरेडी राजा बन चुका था। तो ये अपना गुरु, अपना जो पितामह है, इनको उनके लिए उनका दिल में कितना सम्मान था या फिर क्या था ये अहंकार के वशत, तो वो इसमें छलकता है, ये सब बता रहे हैं उनको। तो और 8वें में आगे चलते हैं, तो वो बताते हैं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च समदस्ति स्तैव। का मतलब है हमारा जो सेना है तो उसमें आप जैसे मतलब उनको भी कम नहीं समझते हैं वो भीष्म देव से, और तो भीष्म जैसे हैं और कर्ण है, कृपाचार्य है, और अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सुमदत्त पुत्र है, जो भूरिश्रवा पुत्र है, वो सब है। तो ये जो है ये हमेशा युद्ध जो चलता है तो उसमें वो मतलब हमेशा विजय होते हैं। तो उनका 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 साइड में भी कुछ जो सूरवीर हैं वो किसी से भी कम नहीं है, ये चीज भी वो यहाँ बता रहे हैं। तो इसका मतलब है जो विकर्ण है, जैसे कि वो अपना 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 साइड में जो है अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो सुमदत्त थे वो एक्चुअली वो वाल्मीकि देश का राजकुमार थे, और कर्ण तो कर्ण को वो तो बहुत ही ऊंचे दर्जे में देखते थे, क्योंकि उनका शौर्यवीर जो है वो उनको पता है। तो और वो भी पांडव के साइड का जो भाई है, अपना भाई है, तो वो भी बताते हैं कि वो भी हमारा साइड में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो तो अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो ये सब चीजें वो अपने जो सेनापति द्रोणाचार्य से उनको बताते हैं। और श्लोक नंबर 9 में फिर बताते हैं कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। मतलब ऐसे बहुत सारे वीर शूर हैं जो हमारे लिए जीवन देने के लिए प्रस्तुत है, और वो लोग युद्ध विद्या जो है, जो साइंस ऑफ बैटल है, तो उसमें बहुत ही मतलब हायर हैं, अभिज्ञ हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और वो अपने अस्त्र शस्त्र से पूरा सज्जित हो करके हमारे लिए, मेरे लिए वो मतलब अभी जीवन देने के लिए तैयार हो करके रेडी हैं। तो इसको बताते उनको एक्चुअली इनडायरेक्टली वो अपना गुरु को मतलब एनकरेज कर रहे हैं। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लीजिए कि दुर्योधन इस इधर क्या क्या मतलब बताते हैं और उसमें क्या क्या ओपन होता है। जैसे कि दुर्योधन कितना कितना मूर्ख था, वो क्या करता था, वो तो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शल्य है, तो ये सारे जैसे कि जितना शूरवीर का उन्होंने बताया, तो वो पापाचारी जो है वो तो दुर्योधन को खुद को पता है कि वो कौन सी साइड में अधर्म के साइड में कैसे चल रहा है। तो सारे योद्धा जो है वो उनके जो शरीयता है, जो वीरता है, उसके ऊपर में आधार करके वो दुर्योधन खुद ये युद्ध जीतना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 10वां श्लोक है।
अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम पर्यातम द्विदमे दशा बलम भीमा विरक्षितम। तो ये जो श्लोक है इसमें दुर्योधन क्या सोचते हैं कि इसमें एक तुलना करते हैं कि मेरा जो साइड में जो इतना एक्सपीरियंस सेनापति जो हैं भीष्मदेव हैं, तो उनको पहले से ही पता है कि भीष्मदेव का जो कैपेसिटी क्या है उनको पता है। तो उनको उनसे उनको लगता था कि ये अजय हैं, मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता और उनको मतलब जो कैपेसिटी है वो परिमित है, मतलब अपर्याप्तम मतलब वो बहुत ही पर्याप्त है किसी को भी हराने के लिए। तो उनका जो वीरता है उनके ऊपर में वो बहुत ही मतलब मतलब खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। हाँ वो तो उनका तो वो उनका जो वीरता है वो तो अपर्याप्त है, मतलब मतलब ये सीमा नहीं है, तो वो किसी भी सुर उनको एक नष्ट में आए तो उनको हरा सकते हैं। लेकिन पांडवों के साइड में जो बात करते हैं तो सेम चीज जो पांडवों के साइड में वो बोलते हैं कि क्या है कि उनका जो सेनापतियां हैं वो क्या है वो भीम के द्वारा सुसज्जित सुरक्षित है। तो और भीष्मदेव के सामने भीम जैसा मतलब उनको क्या समझे, तो वो पर्याप्त है, मतलब वो बता रहे हैं कि इनका जो साइड में जो कैपेसिटी है भीष्म का जो क्षमता है तो वो कितना कम है भीष्म के सामने, उसको वो चीज ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना गुरु के सामने, जो द्रोणाचार्य के सामने वो बताते हैं, क्योंकि उनको भी भीम के तरफ भी थोड़ा भय था उनके दिमाग में कि अगर वो मतलब वो भीम को तो हमेशा वो हम लोग सुने हैं, उनका स्टोरी सुने हैं कि कैसे से विष दिए थे क्या किए थे, हाँ तो उनका प्रति हमेशा वो वायलेंस मतलब हिंसा आचरण करते थे। लेकिन उनको उसके आगे पता था अगर कभी भी उसका मृत्यु होगा तो भीम उनका कारण बन सकता है, तो लेकिन इधर कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कि उनको लगता था कि भीम का कैपेसिटी हमारा जो भीष्म पितामह है उनके सामने में क्या है, वो तो हमारे साइड में है, तो ये भीम कैसे जीतेगा, उनका संदेह था। तो इसीलिए अपना जो विजय है उसका उनको लग रहा था कि मैं ही निश्चित विजय हासिल करूंगा। तो ये जो युद्ध चल रहा है यदि वो ऑलरेडी एक सिद्धांत में पहुंच चुका था, नहीं तो ये इतना आगे जैसे कि युद्ध के बिना एक सुई की भांति मैं जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ ना, आप अगर कुछ लेना चाहते हो तो युद्ध करो, और युद्ध के ऊपर में दुर्योधन का पूरा भरोसा था कि वो युद्ध में निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करेगा। और 11वां श्लोक जो है ये एक्चुअली ये जो 11वां श्लोक तक तो ये मेनली दुर्योधन का जो भय है वो बताया गया है, तो 11वां को पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम उपस्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो इसीलिए वो भीष्म देव को मतलब अप्रतिद्वंदी जैसा सोचते थे, इसीलिए वो भीष्म को मतलब हेल्प करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबको आगाह कराते हैं कि आप सब लोग पूर्ण प्राण से भीष्म देव को उनको मतलब उनकी सुरक्षा में लगे रहे, कहीं एक साइड में वो युद्ध कर रहे हैं तो दूसरा साइड से कहीं उनको ऊपर अटक ना हो जाए, तो वो चारों तरफ से उनको ही आप मतलब मेनली प्रोटेक्शन दे। फिर भी उनका मन में ये था कि
भीष्मदेव का इतना कैपेसिटी में अगर उनका भरोसा था तो फिर वो क्यों दूसरों को उनके सुरक्षा हेतु मतलब आगाह कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बूढ़े हो चुके हैं, उनका शौर्य वीर के ऊपर में उनका भी संदेह थोड़ा आ चुका था, इसीलिए तो वो दूसरों को बताते हैं कि आप लोग उनको प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसीलिए दुर्योधन को पता था कि ये जो विजय है वो भीष्मदेव के ऊपर में तो निर्भर है, फिर भी वो बूढ़े हो चुके हैं तो इसीलिए उनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है, हैं क्यों। और भीष्मदेव के जो हस्तिनापुर के प्रति जो उनका जो कर्तव्य का पालन करने हेतु जो प्रतिज्ञा किए थे उसको वो चीज उनको पूरा पता है, क्योंकि जब द्रौपदी को उल्लंघन किया गया था भरी सभा में तो उस टाइम तो वो भी चुप बैठे थे, तो उसी चीज को वो याद करके वो बताते हैं कि नहीं नहीं ये भीष्मदेव हमको ही हमारे साइड में उनके कोई संदेह नहीं है, वो मतलब युद्ध करेंगे हमारे लिए ही युद्ध करेंगे और हमको जिताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पांडुपुत्र के साइड में वो जाएंगे। फिर भी ये चीज भी मतलब पता था कि जैसे कि ये द्रौपदी के वस्त्र हरण के टाइम में जैसे बिहेव किए थे तो उस उधर भी मतलब द्रोणाचार्य थे, भीष्म द्रोण दोनों थे, तो पांडव के प्रति कुछ सहायता का हाथ नहीं बढ़ाए तो उस टाइम वो साइलेंट बैठे थे, तो वैसे ही वो माइलेज जो था उसको भी वहां से लेने की कोशिश कर रहा है। तो आज देने की है क्योंकि हम लोग समय के पाबंदी में चलना है, कोई कुछ बताना चाहे अपना रियलाइजेशन या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह वो कुछ रख सकते हैं।